हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल फ्राइडे पिक्चर। दिस इज शोभिक। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडियन मूवीज के कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में, लेकिन उससे पहले आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों आज का फर्स्ट अपडेट है आला वैकुंठ पुरामलु हिंदी डब्ड रिलीज के बारे में। इस फिल्म का थिएट्रिकल रिलीज कैंसिल होने के बाद एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया गया कि इस फिल्म को थिएटर के बजाय वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर किया जाएगा। और गोल्डमाइंड की तरफ से आज ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि ये मूवी 6 फरवरी 2022 रात 8 बजे ढिंचैक चैनल पर इसकी वर्ल्ड टीवी प्रीमियर होने वाली है। आज का सेकेंड अपडेट है आमिर खान स्टारर लाल सिंह चड्ढा फिल्म के बारे में। दोस्तों इस फिल्म के मेकर्स काफी पहले इसकी रिलीज डेट अनाउंस कर दिया था, लेकिन उसके बाद काफी सारे र्यूमर भी सामने आ रहा था कि शायद आमिर खान इस फिल्म को पोस्टपोन करने वाले हैं। लेकिन फाइनली लाल सिंह चड्ढा के मेकर्स ऑफिशियली कंफर्म कर चुकी है कि ये फिल्म सेम डेट मतलब 14th of April 2022 में ही रिलीज होने वाली है, यानी 14th of April लाल सिंह चड्ढा वर्सेस KGF चैप्टर 2। लेकिन दोस्तों स्टोरी में और भी ट्विस्ट है, क्योंकि लाल सिंह चड्ढा और KGF चैप्टर 2 के साथ विजय स्टारर बीस्ट भी रिलीज होने के लिए रेडी है। दोस्तों ये तीन फिल्म अगर क्लैश होती है तो बॉक्स ऑफिस में कौन सी फिल्म पिटने वाली है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन KGF का जो हाइप है वो काफी ज्यादा है ये दो फिल्मों से। आज का लास्ट अपडेट है बंगाली मूवी काका बाबू के बारे में। दोस्तों इस फिल्म के मेकर्स SVF के तरफ से कन्फर्म कर दिया गया है कि 4th of February 2022 में ही बंगाली एंड हिंदी लैंग्वेजेस में पैन इंडिया ये फिल्म रिलीज होने वाली है। दोस्तों ये था आज का अपडेट, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो पे। टिल देन बाय बाय।